वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं लेके आई हूँ शॉप्सी ब्लॉग, जो कि शॉप्सी हॉल से मैंने कुछ सामान मंगाया था। सो मैंने आपको बताया भी था अपने मीशो वाले पर्पल वाले हॉल में कि मैं शॉप्सी ब्लॉग लाने वाली हूँ, और मैं शॉप्सी ब्लॉग ले आई। मैंने मंगाया है शॉप्सी से कुछ सामान, जबकि जब शॉप्सी बर्थडे सेल चल रही थी तो मैंने मंगाया था सामान। मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना शॉप्सी हॉल, क्योंकि जो मैं शॉप्सी सामान मंगाती हूँ वो इतना ज़्यादा चीपेस्ट होता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने इतना सस्ता सामान कैसे मंगा लिया। और मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि मैं सच्ची में इतना सस्ता सामान मंगाती हूँ, बट आप पता नहीं बिलीव करते हैं नहीं करते हैं। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना शॉप्सी हॉल का सामान जो मैंने मंगाया है। और उसमें एक पार्सल है जो मीशो का है, वो मुझे अभी कल ही रिसीव हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी उसको भी खोलने के लिए। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अपना शॉप्सी का सामान। ये है मेरा शॉप्सी के पार्सल्स, और ये है 3 पार्सल्स। तो ये वाला है मेरा मीशो का पार्सल, तो इसको मैं एंड में दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अनबॉक्स कर लेती हूँ अपने शॉप्सी वाले पार्सल्स, इससे पहले कि मुझे अजीब सा हो जाए। तो चलिए सबसे पहले ये वाला छोटा वाला ओपन करते हैं। इसमें मैंने मंगाई है कॉम्बो में टी शर्ट्स, और आप बिलीव नहीं करेंगे कितनी सस्ती टी शर्ट है ये। इतनी ज़्यादा सस्ती है कि मुझे तो खुद ही विश्वास हो रहा था कि इतनी सस्ती कैसे मिल सकती है। तो देखते हैं कि कपड़ा कैसा आता है। बट एक चीज़ है, कलर चेंज आया है एक टी शर्ट का। मैंने पिंक एंड येलो मंगाई थी, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन करती हूँ कैसी मंगाई थी मैंने। और ये है गाजरी सा कलर है, गाजरी बोलेंगे इसको, पता नहीं क्या बोलेंगे, पिंक कलर बोलेंगे। ये देखिए, ये डबल एक्सल में आ गई है, सॉरी एक्सल है, हाँ एक्सल साइज में आई है। और ये मैंने मंगाया था एल साइज़, क्योंकि मुझे एल साइज़ से ही आता है, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी है। और शॉप्सी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि उसमें रिटर्न का ऑप्शन नहीं है ऐसी चीज़ों पर जो हम सेल से लेते हैं। तो ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है और डबल एक्सल में है, अच्छे खासे इंसान के आ जाएगा। मैंने इसको पहन के देखना है कि कैसा आएगा कैसे नहीं आएगा। तो पहले आपको दूसरी वाली दिखा देती हूँ। ये है लेवेंडर कलर, क्योंकि आजकल ये वाला लेवेंडर कलर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है, और मैंने एक पहन भी रखी है। ये भी शॉप्सी की थी, लगभग 80-90 रुपीज़ की एक टी शर्ट थी, 80 की होगी। और ये एक्सल साइज है, ये लेवेंडर कलर का जो टी शर्ट लिया मैंने, ये भी एक्सल साइज के, दोनों एक्सल हैं। क्वालिटी भी ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं बोल सकते, ज़्यादा बुरी भी नहीं बोल सकते, इतने सस्ते में और क्या ही लेंगे। तो मैं बताती हूँ इसका रियल प्राइस, इसका रियल प्राइस है 65 रुपीज़ पर आइटम, मतलब एक का 65 कितना हुआ 130। तो ये मुझे पड़ी है 134 की, क्योंकि 4 रुपीज़ की डिलीवरी चार्ज होता है, जो कि अगर हम कैश ऑन डिलीवरी लेंगे तो पड़ेगा, अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो नहीं लगेगा कोई चार्ज। तो ये मुझे 134 की पड़ी है। सबसे ज़्यादा सस्ती टी शर्ट यही थी दोनों, तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं कैसी आती है। तो बहुत ज़्यादा प्यारी है, मार्केट में तो आपको इतनी सस्ती तो नहीं मिलेगी। हाँ, ये संडे मार्केट वगैरह में मिल सकती है, बट संडे मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, और धूल मिट्टी इतनी कौन खाए, इससे अच्छा तो अपना घर बैठे कोई चीज़ मंगा लो। बट हाँ, एक दिन मैं संडे मार्केट ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि संडे मार्केट में लगभग अब जब मेरी डॉटर नहीं थी तब गई थी एक बार, और एक बार जब ये हो गई थी उसके बाद गई थी। तो अभी फ़िलहाल में ये 1.5 साल पहले गई थी मैं, विंटर में गई थी, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, सही था। तब से मैं अभी तक नहीं गई हूँ, मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं संडे मार्केट का, और इतना टाइम भी नहीं होता है कि संडे मार्केट जा पाओ बच्चों को लेके। संडे मार्केट जैसी चीज़ घर में, और वो भी इतनी अच्छी, वहाँ पे तो आपको जो पहनी हुई चीज़ होती है वो मिलती है, बट ये पहनी हुई नहीं है, इसकी स्मेल बता रही है बिल्कुल न्यू है। तो ये हो गए मेरे दोनों पार्सल डन। मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। नेक्स्ट पार्सल है मेरा ये वाला, आप गैस कर सकते हैं इसमें क्या है। जब तक मैं इसको ओपन कर लेती हूँ,
अगर आपने गैस कर लिया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसके अंदर क्या है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर एक ब्यूटीफुल सी चेक में शर्ट जो कि बहुत प्यारे कलर में है, ब्लैक कलर में, ब्लैक एंड वाइट में, और इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वाओ, इसका साइज है 38 सही है। ये देखिए, हाफ स्लीव्स है, फुल स्लीव्स है, फुल स्लीव्स में है ये। और ये देखिए कॉलर वाली शर्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं से फटी उटी नहीं है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अकॉर्डिंग टू प्राइस। ये पड़ी है मुझे 110 रुपये की शर्ट। इसको भी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कि मेरे ऊपर कैसी लग रही है। मेरे पास एक रेड शर्ट भी है बट मेरे को ब्लैक लेनी थी तो मैंने ब्लैक भी ले ली। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है, कोई नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला दिखाती हूँ अपना पार्सल, जो कि मेरा है नेक्स्ट पार्सल। और मैं आपको शॉपसी का ब्लॉग इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप भी जब भी कोई सेल वगैरह आती है तो आप भी बिना किसी हेजिटेशन के अपना सामान ले सकें जो भी आपको पसंद है। और बहुत ही आसान है, जो आपको पसंद है आप ऐड टू कार्ट में जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 3 to 4 days में आपको आपका पार्सल रिसीव हो जाएगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट वाला दिखाते हैं, ये भी शॉपसी का ही है। तो चलिए इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है एक प्यारी सी कुर्ती जो कि ग्रीन कलर में है। ये देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी है, कितने अच्छे प्रिंट में है ये कुर्ती, बहुत प्यारी कुर्ती है ये देखिए। और ये है एल साइज में, इसका ये थोड़ा सा निकला हुआ है आगे का, शायद इसकी सिलाई लगी भी नहीं है, बट कोई नहीं, इसको हम हाथ से ही सही कर लेंगे। क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो इसके प्राइस मैं आपको बताती हूँ, इसके प्राइस है 129 मतलब 129 रुपीस, 129 रुपये की है ये, 130 रुपये की पड़ी। तो ये भी बहुत अच्छी है, और इसका जो कपड़ा है वो बहुत अच्छा है, आप गर्मी सर्दी सब में पहन सकते हैं। तो ये मेरे पार्सल हो गए शॉपसी के डन। तो सारे पार्सल ख़त्म हो गए शॉपसी के, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना लास्ट वाला पार्सल। चलिए मैं आपको मीशो का पार्सल दिखाती हूँ जो मेरा अभी कल ही मुझे रिसीव हुआ है। गाइस ये है मेरा नेक्स्ट वाला पार्सल, देखिए कैसी आवाज़ आ रही है इसके अंदर से। तो चलिए इसको भी अनबॉक्स कर लें, मैंने इसको कट कर लिया है नाइफ से, तो इसको ओपन करते हैं। ये देखिए मैंने पहले भी मंगाया था बट तो ये डैमेज आया था इसलिए मैंने दूसरी बार इसको मंगाया है। तो ये है वेजिटेबल चॉपर, और ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है आजकल, इसमें इतना ज़्यादा ईजी आप कुछ भी कट कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे ब्लेड हैं इसमें, ये 5 ब्लेड हैं, 6 हैं। और ये ब्लेड इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपको आसानी से सारी चीज़ें कट करके मिल जाती हैं, खासकर प्याज, जिसे आते हैं आंसू प्याज से, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए अभी ये बंद है, अभी इसको आप यहाँ से अनलॉक करेंगे तो ये खुल जाएगा, ये ओपन हो गया। फिर आप इसको ऐसे करके प्रेस करेंगे और ऐसे करके कोई भी वेजिटेबल कट हो जाएगी बहुत आराम से, और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा, और प्याज काटते हुए आंसू भी नहीं आएंगे, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आप जल्दी से इसको बाय भी कर लेना क्योंकि आपका टाइम बचाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं मीशो पर कि हमारा टाइम भी बचता है और हमारी जो मेहनत है वो भी ख़राब नहीं होती है। सो इसलिए ये चीज़ें आपके घर में भी होनी चाहिए, किचन एक्सेसरीज। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसको मैं ट्राई करूँगी, तो आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, शॉर्ट्स वीडियो में इसे अपलोड करूँगी। सो गाइज मेरे सारे पार्सल हो गए हैं फिनिश, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं मंगाए थे, 4 ही मंगाए थे। सो कैसे लगे आपको मेरे पार्सल कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।